हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चूरू ऑनलाइन क्लासेस पर। आज हम लेकर आए हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे भारी परत क्या कहलाती है? आपको बताना है पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे भारी परत है वो क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एग्जोस्फियर। एग्जोस्फियर है वो पृथ्वी के वायुमंडल की भारी परत कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भरूच। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन देशों में से किसे यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली? ये जो आपके सामने देश दिए गए हैं इन देशों में से बताना है आपको यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी किस देश को मिली थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया था? आपको बताना है प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निकोलस कालन ने प्रेरण कुंडली का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक भारतीय संगीत वाद्य यंत्र नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा एक भारतीय संगीत वाद्य यंत्र नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मदाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरिका पपाया का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो केरिका पपाया का वैज्ञानिक नाम है ऑप्शन सी, पपीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से विषम का चयन करें, इनमें से आपको एक विषम है उसका चयन करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, HTML। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? आपको बताना है आपके सामने तत्व दिए गए हैं इन तत्वों में से सबसे कम गलनांक किसका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज़ीनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब जो एक मुगल सम्राट था का निधन किस वर्ष में हुआ था? औरंगजेब है वो एक मुगल सम्राट था, उनका निधन किस सन में हुआ था आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1707 ईस्वी में औरंगजेब का निधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेस्टेक में सूचीबद्ध होने वाली प्रथम भारतीय कंपनी है? आपको बताना है नेस्टेक में सूचीबद्ध यानी नेस्टेक में शामिल होने वाली भारतीय पहली कंपनी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन्फोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई क्या है? आपको बताना है भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की सरकार में ईश्वर के नाम पर पुजारी शासन करते हैं? आपको बताना है ऐसी कौन सी सरकार है जिसमें ईश्वर के नाम पर पुजारी शासन करते हैं? धर्मतंत्र, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। पहला T20 क्रिकेट विश्व कप को किसने जीता था? आपको बताना है पहला T20 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था? तो भारत ने जीता था, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौखेर वाली के लेखक कौन है? चौखेर वाली के लेखक बताना आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास खन्ना एक पुरस्कार विजेता भारतीय शेफ हैं। विकास खन्ना ऐसे कौन सा पुरस्कार है? आपके सामने पुरस्कार दिए गए हैं, कौन सा पुरस्कार के विजेता हैं विकास खन्ना जो भारतीय एक शेफ थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिशेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? आपको बताना है ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव गुफा कहाँ स्थित है? आपको बताना है शिव की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एलिफेंटा गुफाएं हैं, में शिव की गुफाएं स्थित है। आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक SSC MTS एग्जाम देने वालों को।